विश्व में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लोग ऐसे खूबसूरत स्थानों पर घूमने के इच्छुक भी होते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए रोमांचक गतिविधियों से भरपूर जगहों की दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन इन सब जगहों के बीच कुछ ऐसी भी जगह है जो आपको पहली नज़र में अपनी ओर आकर्षित तो कर सकती है, लेकिन वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं सक्रिय ज्वालामुखी है तो कहीं मगरमच्छ और सांपों से भरे हुए द्वीप, कहीं पर जहरीली गैसों का साया है तो कहीं पर उबलता हुआ पानी। यह सभी जगह ऐसी है कि इनके बारे में सोचने पर ही इंसान की रूह तक कांप जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कई अजीबोगरीब जगहों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नंबर 1, ब्लडी पॉन्ड जापान। जापान के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों में से एक है ब्लडी पॉन्ड यानी खूनी तालाब। इसे धरती का नर्क भी कहा जाता है। इस तालाब में तैरना सख्त मना है। यह तालाब जापान के बेपू शहर में है। इस तालाब के पानी का रंग खून की तरह लाल है, इसीलिए इसे खूनी तालाब कहा जाता है। पानी के खून की तरह लाल होने की वजह लोहे और नमक की अधिक मात्रा है, क्योंकि इसका तापमान 194 डिग्री फारेनहाइट रहता है। यहाँ पानी की सतह से भाप वाष्पित होती है। नर्क के द्वार की तरह लगने वाले इस जगह को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो खून उबल रहा हो, और इसको देखकर लोग काफी भयभीत हो जाते हैं। कभी कभी तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह तालाब उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से लोग वहां जाने से डरते हैं। नंबर 2 पर आता है अपना रामरी आइलैंड। रामरी आइलैंड बर्मा के म्यांमार तट पर स्थित है। रामरी आइलैंड एक बेहद डरावना और रहस्यमयी होने के साथ साथ काफी अजीबोगरीब भी है। अत्यधिक नमी के कारण यहाँ पर सभी जगह कीचड़ और दलदल है। यहाँ कई गहरी झीलें हैं जिसकी वजह से यहाँ खतरनाक मगरमच्छों और जहरीली मकड़ियों जैसे कीड़ों का बोलबाला है। मगरमच्छ से बचे तो आप मच्छरों और मकड़ियों के जहर से होने वाले रोगों का शिकार हो जाएंगे। कुल मिलाकर वहाँ से जीवित निकलना लगभग नामुमकिन है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा आइसलैंड है जहाँ पर खतरनाक जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापानी सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करके अपना कैंप बना रखा था। 26 जनवरी 1945 को ब्रिटिश सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानी सैनिकों पर जोरदार हमला किया। जापानी सैनिक ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाए। इस लड़ाई में सैकड़ों जापानी सैनिक मारे गए। इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण से बचने के लिए रामरी आइलैंड के अंदर वाले हिस्सों में जाने का फैसला किया, जहाँ 20 फीट लंबे और 1 टन से भी भारी मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे थे। जो सैनिक उनसे बचे वह मच्छर और मकड़ी जैसे कीड़ों का शिकार बन गए। नतीजा यह कि करीब 1000 जापानी सैनिकों में से सिर्फ 20 सैनिक ही इस मौत के आइलैंड से जान बचाकर बाहर निकल पाए। रामरी आइलैंड से जो सैनिक जान बचाकर बाहर जाने में कामयाब रहे उनकी खौफनाक आपबीती को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे ही एक सैनिक स्टैनली राइट ने अपनी किताब में वाइल्ड लाइफ स्केचेस नियर एंड फॉर में उस डरावनी घटना को लोगों से साझा किया। इस किताब में उन्होंने उस भयानक घटनाओं का वर्णन किया कि कैसे मगरमच्छों ने सैनिकों को अपने बड़े बड़े जबड़ों में पकड़ लिया था, और आइलैंड का सारा माहौल सैनिकों की चीखों, गोली चलने की आवाजों और मगरमच्छ के भयानक आवाजों से गूंज उठा था। अभी भी रामरी आइलैंड पर इन खारे पानी के मगरमच्छों का राज है, और ये इतने खतरनाक है कि इनकी ये अपने एरिया में आने वाले किसी भी चीज को खा जाते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को भी। यहाँ पर अभी भी मगरमच्छों के द्वारा इंसानों के शिकार की खबरें आती रहती हैं। नंबर 3 पर है स्नेक आइलैंड। ब्राजील के तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर इलाहादा क्यूमाडा ग्रांडे नामक एक छोटा सा द्वीप है। स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। यह यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से बेहद अलग और खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हजारों जहरीले सांप रहते हैं जो इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाते हैं। वैसे दूर से तो देखने में यह आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप हैं। गोल्डन लॉन्स हेड पिट वाइपर। इस द्वीप पर सिर्फ गोल्डन लॉन्स हेड पिट वाइपर प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। एक आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है।
हालांकि वो भी केवल तटीय इलाकों में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहां मिलने वाले गोल्डन लॉन्स हेड वाइपर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 18 लाख रुपए तक है। नंबर 4, सुसाइड फॉरेस्ट। दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें या घटनाएं होती है जो लोगों के बीच हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसी एक जगह है जापान में जिसे पूरी दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट यानी आत्महत्या करने वाला जंगल के नाम से जाना जाता है। ये हरा भरा और सुंदर दिखने वाला जंगल मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं बल्कि अपनी डरावनी कहानियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस जगह पर अब तक कई लोगों ने आत्महत्याएं की है। वहीं इस जंगल को लेकर लोगों में कई तरह की मान्यताएं भी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूतों का वास है जो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। ये जंगल दुनिया के सबसे पॉपुलर सुसाइड पैलेस में दूसरे नंबर पर है। ये जंगल जापान की राजधानी टोक्यो से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित है। जैसे ही आप ओकिगहरा के जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको चेतावनियां पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि अपने बच्चों और परिवार के बारे में ध्यान से सोचें। आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया हुआ कीमती तोहफा है। यह जंगल जापान के टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और 35 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, ये जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ से निकलकर आना बेहद मुश्किल है। कहा जाता है कि इस जंगल में आत्माओं का वास है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार साल 2003 से इस जंगल में करीब 105 डेड बॉडीज खोजी जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर डेड बॉडीज बुरी तरह से सड़ चुकी थी। वहीं कुछ को जंगली जानवरों ने खा लिया था। साथ ही यह भी माना जाता है कि जंगल इतना घना है कि लोग रास्ता भूल जाते हैं और फिर डर की वजह से खुद से ही अपनी जान ले लेते हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जंगल में ना तो मोबाइल काम करता है ना ही कंपास। इतना ही नहीं, कंपास की सुई भी यहाँ कभी सही रास्ता नहीं दिखाती। इसका कारण ये बताया जाता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा ने मिट्टी का रूप ले लिया है जिसमें आयरन भारी मात्रा में होता है। मैग्नेटिक आयरन के चलते कंपास की सुई हर वक्त हिलती रहती है और सही मार्ग नहीं दिखा पाती। वही मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आता है। इस वजह से अगर कोई फंस जाता है तो जंगल के बाहर संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। जंगल के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में जंगल से चीखने की आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में अलग अलग प्रजातियों के कई पेड़ हैं जो 300 साल से भी पुराने हैं। नंबर 5 पर है किवू लेक कांगो। किवू लेक अफ्रीका महाद्वीप के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा की सीमा के मध्य में स्थित है। यह अफ्रीका की जानी मानी झील है। इसके आसपास लगभग 20 लाख की आबादी निवास करती है। इस झील के पानी में मिथेन गैस की मात्रा अधिक है। यदि इस पानी से बादल बना तो वह भी जहरीली मिथेन गैस समेटे हुए होगा और यह बादल अगर आसपास के रिहायशी इलाकों में बरसा तो वहाँ के रहने वाले लोगों की जान पर बनाएगी। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए मीथेन गैस का निकाला जाना आवश्यक है।